हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर टिश्यूज। टिश्यूज क्या हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिनका एक तरह काम करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करते हैं, उसको हम टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज दो तरह के होते हैं, वन इज प्लांट टिश्यू एंड अदर वन इज एनिमल टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में क्या फर्क होता है? प्लांट्स में हम देखेंगे कि डेड सपोर्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिविंग टिश्यूज, जबकि एनिमल टिश्यूज में हम देखेंगे लिविंग टिश्यूज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेड टिश्यूज। तो होता क्या है, प्लांट टिश्यूज में मेंटेनेंस एनर्जी कम चाहिए होती है, जबकि एनिमल टिश्यूज में मेंटेनेंस एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। प्लांट टिश्यूज में हम देखेंगे जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको स्टेशनरी हैबिट की वजह से है, क्योंकि वो एक ही जगह फिक्स रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते और लोकोमोशन इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि एनिमल टिश्यूज में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स मूव करते हैं तो उसी तरह से उनका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लांट टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिंपल रहती है, जबकि एनिमल टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। प्लांट्स थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो इनके प्रेजेंट होते हैं उनकी एक्टिविटी से, जबकि एनिमल टिश्यू एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी गेन करने के बाद ग्रोथ शो नहीं करते हैं। रिपेयर हो सकते हैं, अगर कुछ डैमेज हो जाए तो रिपेयर हो सकते हैं, बट जो ग्रोथ होती है वो नहीं शो करते। प्लांट टिश्यूज में एक डिफ्रेंसिएशन होता है बिटवीन मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, जबकि एनिमल टिश्यूज में ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब पहले प्लांट टिश्यूज की बात कर सकते हैं। तो इसमें एक तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हो जाते हैं, एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हम ग्रोथ टिश्यू भी कह सकते हैं। सिंपल टिश्यूज होते हैं, लिविंग होते हैं, वॉल्स इनकी थिन होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इमैच्योर्ड होते हैं और इनमें डिवीजन की पावर होती है, नए सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगर इनके फीचर्स की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इंटर सेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म थिक और डेंस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्ली होते हैं जो कि इजीली विजिबल रहते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं एट द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स जैसे रूट टिप्स एंड शूट टिप्स। अब मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, वन इज अपाइकल मेरिस्टम, अनदर वन इज इंटरकलरी एंड अनदर वन इज लेटरल मेरिस्टम। तो इसमें क्या होता है, अपाइकल मेरिस्टम जो होता है वो आपकी ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, और इनमें जो सेल डिवीजन होता है जिससे इलोंगेशन होता है, रूट का भी इलोंगेशन होता है और स्टेम का भी इलोंगेशन होता है। तो अगर प्राइमरी ग्रोथ की बात करें तो एपाइकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू आपके प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये आपके लीफ के बेस पर प्रेजेंट होते हैं या फिर इंटरनोड रीजन्स पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, इससे जो लीफ की लेंथ है उसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आ जाता है लेटरल मेरिस्टम, तो ये प्लांट को गर्थ में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, मतलब चौड़ाई में जो बढ़ते हैं प्लांट्स वो लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की वजह से बढ़ते हैं, ये आपके प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम डिफरेंस करें मेरिस्टमैटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज में, तो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज के सेल्स लार्ज होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज का साइटोप्लाज्म डेंस होता है, वैक्यूल्स तो नहीं के बराबर ही होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज से प्लांट की ग्रोथ होती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज से प्लांट की सपोर्ट होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, प्रोटेक्शन होती है, स्टोरेज होती है। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के सेल्स लिविंग होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज के सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के सेल ऑर्गेनेल्स सिंपल होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज के सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड होते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू एक सिंपल टिश्यू है, उसके सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, जबकि
आपका परमानेंट टिश्यू सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है, और इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है, जबकि परमानेंट टिश्यूज का न्यूक्लियस आसानी से आप देख नहीं सकते। अब आ जाते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज बनते हैं मेरिस्टमेटिक सेल से, जो पीछे छूट जाते हैं और अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी को पीछे छोड़ देते हैं। इन्हीं के डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन की वजह से परमानेंट टिश्यू ग्रो बनते हैं। तो अगर इनको क्लासिफाई करें तो आपके हो जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो वन इज एपिडर्मिस एंड अनदर वन इज कॉर्क। तो इन दोनों का ही फंक्शन जो है वो प्रोटेक्टिव होता है, दैट्स वाई इनका नाम प्रोटेक्टिव टिश्यू रखा गया है। तो एपिडर्मिस की बात करें तो वन सेल थिक लेयर होती है ऑफ प्लांट पार्ट्स और क्यूटिकल से कवर्ड होती है। अब क्यूटिकल सिक्रीट होता है बाय एपिडर्मल सेल्स। क्यूटिकल एक वाटरप्रूफ लेयर होती है वैक्सी सब्सटेंस की, जिसको हम क्यूटिन कहते हैं। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स। कोई माइक्रोब्स एंट्री नहीं करेगा और जो प्लांट के अंदर से वाटर है वो लूज नहीं होगा। एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के वो कंटिन्यूस नहीं होते, जगह जगह उनके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। हर स्टोमेटा के पास में गार्ड सेल्स होते हैं, दो गार्ड सेल्स होते हैं जो कि बीन शेप्ड होते हैं। एपिडर्मल सेल्स में भी अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, और जिनमें नहीं होता है तो वो कलरलेस रहते हैं। स्टोमेटा की फंक्शन की बात करें तो ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और आपको ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्क। अब जो रूट्स बहुत ओल्ड हो जाती हैं, जो स्टेम्स बहुत ओल्ड हो जाती हैं, तो उसके किनारे के जो टिश्यूज होते हैं वो कॉर्क सेल्स में बदल जाते हैं। मेनली डेड सेल्स होते हैं जिसकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। और जो कॉर्क की सेल वॉल है वो कुछ वैक्सी सब्सटेंसेस को डिपॉजिट करती है, जिसको हम सुबेरिन भी कहते हैं। जो सेल्स होती हैं कॉर्क की वो इम्परमेबल होती हैं वाटर और गैसेस के लिए, क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। अब आ जाता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इनका फंक्शन होता है सपोर्टिव, और थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो कुछ पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रेजिन्स होते हैं, टैनन्स होते हैं, गम्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। तो ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज को हम इडियोब्लास्ट कहते हैं। पैरेन्काइमा इन जनरल की बात करें तो अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, वॉल्स थिन होती हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्ज होते हैं। सेल वॉल में सेलुलोज और पेक्टिन होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स आपके क्लोरेन्काइमा। अब क्लोरेन्काइमा ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो इनका फंक्शन हो जाता है फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल्स हो जाते हैं मेसोफिल ऑफ लीव्स। नेक्स्ट आ जाता है एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में मिलेगा, जिसमें एयर होती है, जिससे अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड होती है, वो पानी में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट सेल्स आ जाते हैं आपके कोलेन्काइमेटस सेल्स। तो ये इलॉन्गेटेड लिविंग सेल्स होते हैं जिनके कॉर्नर्स थिक होते हैं, प्लांट पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं। आप देखेंगे नीचे प्लांट फिक्स्ड होता है रूट से, लेकिन जब तेज़ हवा चल रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो वो बहुत ही आसानी से बेंड करते हैं, इधर उधर बेंड करने लगते हैं, लेकिन उनको कोई डैमेज नहीं होता है। इनमें कुछ क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं और इनमें बहुत ही कम या ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, तो इनका फंक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जो टिश्यूज हैं उनके डिफरेंसेस की। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू में थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होते हैं, जबकि कोलेन्काइमेटस टिश्यू में सेल वॉल्स में आप देखेंगे तो लोकलाइज्ड कुछ कुछ जगह पर थिकनिंग सी दिखती है। तो लिविंग सेल्स होते हैं जो पैरेन्काइमा के वो असिमिलेट करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करते हैं। लेकिन कोलेन्काइमा का अगर फंक्शन देखें तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पैरेन्काइमा की बात करें तो पूरे
प्लांट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जबकि कॉलेनकाइमेटस टिश्यू की बात करें तो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो कि हवा में एक्सपोज होता है वहां पर होते हैं, और अदर लेयर्स में कुछ ही हो सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, स्टेम्स में प्रेजेंट होंगे, वैस्कुलर बंडल्स के आसपास होंगे, लीव्स की वीन्स में होंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट पार्ट्स को और प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है कोकोनट का हस्क। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।